नहीं यार। हेलो गाइस, वेलकम टू द शेड्स ऑफ गेम्स, इट्स योर फ्रेंड सॉकी हियर। तो आज की गेम का नाम है पूल्स। वैसे पूल में नहाना मुझे काफी ज्यादा पसंद है और इस गेम के बारे में आप काफी यार कुछ वीडियोस देखी होंगी। अब देखो आवाजें आ रही हैं, जैसे कि कुछ पाइप वाइप की कुछ आवाजें आ रही हैं। ओके, मैं यहाँ पर उठ रहा हूँ, मुझे इतना पता चल रहा है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इस वीडियो के बारे में आपने काफ़ी जगह देखा होगा, हो सकता है आपने काफ़ी जगह वीडियो देखी भी हो। तो मैंने सोचा कि चलो खेल के देखते हैं कैसी है। काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। और इसमें मैंने इतना ही देखा था कि कुछ पूल्स वगैरह के बारे में चीज़ें दिखाई हुई हैं। कुछ पूल्स वगैरह हैं यहाँ पर, यहाँ देखो एक नीचे की तरफ जा रहा है, कुछ रास्ते सामने की तरफ जा रहे हैं, एक यहाँ चेयर पड़ी हुई है। ओके, अरे खुद ही बैठ गया। पूछना चाहिए था ना, बोलना चाहिए था। मैं यहाँ क्यों जा रहा हूँ पता नहीं, मैं ऐसी जगह क्यों चूज़ करता हूँ जाने के लिए हमेशा। सी यहाँ पानी है भाई, कितना डरावना सा लग रहा है यार। कंट्रोल्स में सिर्फ शिफ्ट मतलब तेज चलने के लिए और धीरे चलने के लिए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है आई थिंक। नो जंपिंग। ओके, सो आई एम वॉकिंग ऑन वॉटर। पानी ऊपर चलता हूँ मैं, गिरता संभलता हूँ मैं। यहाँ पर बताया हुआ कि पानी में उतरना नहीं है। मुझे ऐसा लगा कोई आवाज़ आ रही है। कैसा स्पेस है यार, सच में डर सा लग रहा है। इसमें बोला हुआ है कि पानी में उतरना नहीं है, राइट? ऐसे ही है ना? अच्छा, ये जूम एंड जूम मेट का, हाँ ओके, स्क्रॉल से काफ़ी दूर तक जूम कर सकता हूँ भाई। नाइस, ठीक है। तो ओके, उतर के देख लेते हैं, क्या पता क्या ही होगा। ज़्यादा ज़्यादा मैं मर ही जाऊँगा ना। ओके, मैं गेम में लिखी हुई चीज़ों को अक्सर काफ़ी सीरियसली लेता हूँ। कुछ आवाज़ें बड़ी अजीब सी आ रही हैं, ये पानी की ही हैं। मेरी बॉडी अगर मुझे दिख रही होती तो काफ़ी अच्छा होता। ओके, आई हैव क्रॉस्ड इट, नथिंग हैपेंड, इट वाज फेक। क्या बोलते हैं उसको, एक रास्ता यहाँ जा रहा है, एक रास्ता सामने जा रहा है, पता नहीं कहाँ जाना है। ठीक है, एक रास्ता ये जा रहा, यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं लगा तो मैं पानी में उतर जाता हूँ। सच में क्या कोई ऐसी जगह होती भी हैं, या फिर मे भी हो सकती हूँ? अगर ऐसी जगह होती तो मैं तो सच में कभी नहीं जाता। सामने एक और जगह है, पता नहीं मेरा मन क्यों कर रहा है इसके अंदर जाने का। नहीं, अब नहीं कर रहा, कुछ नहीं वहाँ पे, इग्नोर। भाई कितना क्लियर पानी है, पानी की आवाज़ों से मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, ये तो बिल्कुल सच बात है। ओके, हम शायद रास्ते याद रखने होंगे या फिर ऐसा कुछ करना होगा, पता नहीं। मैं इस स्पेस में पहुंचा हूँ, यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही काला पानी है, मे भी शायद ये कुछ ज़्यादा गहरा होगा इस वजह से। थक गया क्या भाई, एक रास्ता सामने भी जा रहा है, एक रास्ता ऊपर को जा रहा है, और ये पानी काफ़ी ज़्यादा काला काला सा है। तो मुझे लगता है काले पानी इस तरह के ब्लैक वाटर टाइप बॉडीज़ को देख कर, मुझे उसमें नहीं जाना चाहिए। और आई थिंक ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, व्हाट द हेल इज दिस? यहाँ पर क्या है, ये किस चीज़ का सिंबल है? वेव का, अच्छा वाटर स्लाइड का, ठीक है, देयर इज अ वाटर स्लाइड, लेट मी सी, वाटर स्लाइड है बट वो यहाँ से नहीं आ रही है। वो उसके लिए मुझे जाना होगा सामने की तरफ, क्योंकि नीचे से ऊपर तो नहीं जा सकते ना वाटर स्लाइड में, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी डूड। और ये पानी काफी ज्यादा गहरा है यार, बाकी जगह के पानी से काफी ज्यादा गहरा है। सी, और ये बढ़ता जा रहा है, ऐसा है क्या, या फिर मुझे फील हो रहा है? मुंह ऊपर करके चलता हूं, बस हो गया, हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, आई एम अलाइव, आई एम अलाइव। ओके, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ओके ओके, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बहादुर बच्चा, शाबाश, नहा के आया, शाबाश, चलो 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 चलो। एक और चेयर है, तुम्हें बैठना है यहाँ पे, बैठ के घड़ी देखनी, मैं घड़ी दिखाते, तो रुक जाओ,
अच्छे बच्चे हो ना आप, आओ आपने बहुत मेहनत की, आओ बैठो आराम करो। शाबाश, अब घड़ी देखो, ये देखो आपके 12 बजने वाले हैं, 12 बज चुके हैं आपके। अभी जूम नहीं कर रहा है, अच्छा बैठने के बाद जूम नहीं करता है, पता नहीं कोई रोबोट वोबोट है या पता नहीं क्या है कि जो इसकी आंखें जूम हो जाती हैं ऐसे करके। देखो यहाँ पर, अच्छा वो जो स्लाइड वाला था वो तो मुझे मिला नहीं, मगर कुछ कुछ चीज़ें और मिलती जा रही हैं। सो अल एक्स क्या बोलते हैं, ओय कुछ आवाज आई, भाई साहब कितनी डरावनी आवाज थी वो, क्या वापस इधर जाऊं? ओ माय गॉड, नहीं पानी में नहीं जाऊंगा अभी मैं। अच्छा मैं सच बता दूं तो मेरा डर है, मतलब ये वो जो कौन सा फोबिया बोलते हैं, पानी वाला डर, वो है मेरा, वो सच में है। मतलब पानी में मैं अकेले नहीं जाता हूँ, ये अपना यार इसमें जम करके नहीं यार, अभी नहीं देखना चाहता मैं जम करके, पहले यहाँ से निकलने का ट्राई करते हैं जितना हो सके। अभी क्यों मरना है, पहले कम से कम ट्राई तो करें निकल। ए कहाँ जा रहा, रुक जा, ए रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, उस तरफ से आवाज़ें आ रही हैं, तो ये वाला आई थिंक वहीं लेके जाएगा मुझे, यहाँ नहीं जाऊँगा। ये यहाँ पे उतरने की जगह क्यों दी है पता नहीं। ओके दिस डक, व्हाट द फक, क्या ये डक डरावनी है या फिर इट जस्ट लाइक अ नॉर्मल डक। और वहाँ पर भी देखो यार, मुझे सही नहीं लग रहा कुछ। ओके कैन आई डू एनीथिंग विद दिस डक, नो नहीं कुछ नहीं कर सकता मैं, ठीक है ओके लेट्स गो, चलो चलते हैं, मतलब देखा जाएगा जो भी होगा। और सच में इस गेम के बारे में मुझे इतना कुछ खास पता नहीं है, मैं बिल्कुल अंधेरे में चला जा रहा हूँ, और मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूँगा, पीछे मुड़ के मैं बिल्कुल नहीं देखूँगा। ओके थैंक गॉड कोई नहीं है, डर तो लग रहा था। ए ये मैं वहीं तो नहीं आ गया जहाँ से वो आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि वहाँ पर ऐसी ही सीढ़ियाँ थी राइट। यार गलत हो जाएगा ये तो, क्योंकि कम से कम पानी से तो बाहर हैं। सच में यार ये तो ना एकदम क्रीप आउट, एकदम क्या क्या बताऊँ मैं इसको, अल्फाज नहीं मिल रहे मुझे अल्फाज इसको बयां करने के, ये किस तरह का डर है। एक तो ये अजीब से स्पेस, जो छोटे स्पेस होते हैं वो देखो, वहाँ पर रेड पूल्स हैं, अच्छा रेड पूल्स नहीं है ये कोई स्लाइडर है ओके, जो कि आ रहा है हमारे बगल वाले रूम से। अभी तक ऑब्जेक्टिव नहीं पता चला कि इसमें बेसिकली क्या करना है, पता नहीं क्यों करना है, क्या करना है कुछ भी नहीं पता। शायद कुछ मेज होंगी उनको सॉल्व करना होगा, या फिर कुछ और चीज़ें जिनको सॉल्व करना हो। अब देखो यहाँ पे आ गया फिर से पानी, अब मैं आगे बढ़ जाऊँगा, जो भी चीज़ें मुझे दिख रही है वो मैं जो भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो मैं बस आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इसके अलावा राइट। ना मेरे पास टॉर्च है, ना बैटरीज है, ना कोई इसमें टैब से कोई इन्वेंटरी खुल रही है, ना कोई मैप है, नथिंग, इट जस्ट गेट अप एंड कीप वॉकिंग, कीप वॉकिंग, कीप वॉकिंग लाइक हेल। हमेशा मेरे पास दो चॉइस क्यों होती हैं, और कमाल की बात है कि मैं दोनों चॉइसेस गलत कैसे ले लेता हूँ। मैंने लेफ्ट लिया है बिकॉज आई एम नेवर राइट। ओके ओए कुछ किसी की और की आवाज आई थी राइट, मैं चिल्लाता ऐसे हूं जैसे कि मैं उसी को डरा दूंगा जो मुझे डराने आया है। देखते चलते हैं देखते चलते हैं, कोई पीछे तो नहीं है ना, किसी चीज के पीछे छुपा हो बाद में हमारा पीछा कर रहा हो, क्योंकि पानी की आवाज ऐसी होती है कि बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है ऐसी जगह में, और वैसा ही हो रहा है, मुझे हर कदम पे ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, और ये डर सच में डरावना होता है। ये कोई मेज़ है यार। ओके एक बार एक काम करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर दो लाइटें जल रही हैं और यहाँ पर एक और रास्ता है, अच्छा अच्छा वही रास्ता बाहर आने वाला। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, क्या चल रहा है भाई। व्हाट भाई कसम से डर गया था मैं,
ओके आई कैन मूव इट। इसे मूव करके मैं कहाँ ले जाऊँ? चुम्मा नहीं चाहिए। गलत बात, आप एक नकली के बत्तख हो इसलिए छोड़ दे रहा हूँ। फिर चुम्मा नहीं चाहिए, चुम्मा नहीं चाहिए, हट जाओ। पीछे तो नहीं आ रहा ना ये? ओके बस ये पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। आना नहीं इधर, मैं दूसरे रास्ते से निकल रहा हूँ, ठीक है। ये घूम के मेरी तरफ क्यों देख रहा है? मैं खिलौने वाली बतख से डर रहा हूँ, बस वो मेरा पीछा ना करे। क्योंकि मैंने ऐसी एक गेम खेली थी जहाँ पर मैं पानी के अंदर था, और जब तक मैं उन दरिंदों को, उन भूतों को देखता था, तब तक वो मेरे पीछे नहीं आते थे, और जैसे ही मैं उन्हें इग्नोर करता था वो तुरंत मेरे पीछे आने लगते थे। और एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ था। ओके देयर इज एग्जिट, बट यहाँ पर भी कुछ और है। वेट, ओ माय गॉड, नहीं यार। मैं हिल नहीं पा रहा हूं यहां से यार। मेरा पैर पूरे। ओके कीप मूविंग। आई एम सॉरी, यू वांट टू स्लीप, यू गो टू स्लीप। ओके डोंट कम। मैं बस यहां से निकल रहा था, ठीक है। मैं निकल रहा हूं यहां से, हाँ आपको पता भी नहीं चलेगा। आई बी आउट ऑफ हियर। सो एग्जिट का बैनर उधर दिखा रहा है, बट एग्जिट मेरे पीछे है। पता नहीं एग्जिट पीछे है भी कि नहीं है, ठीक है, इसने यही बताया हुआ है। क्या आपको लगता है कि मुझे उसके पास जाना चाहिए था? जैसे मेरी जान निकली और सच में मेरे पैरों के रोंगटे खड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ही जाएं यार ऐसी जगह जहाँ सामने पता हो कि हाँ कुछ गलत हो सकता है, तब भी नहीं जाना चाहिए। मैं इतना ज़्यादा बहादुर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ ब्रेव लाइक अ गर्ल। प्लीज फेमिनिस्ट मुझे छोड़ देना, आई रिस्पेक्ट ऑल गर्ल्स। ये मैं खुश इसलिए हुआ क्योंकि मेरी बाइक की सर्विसिंग हो रही है और बहुत जल्दी वो ठीक होने वाली है। यहाँ पर कुछ अंधकूपम है, मतलब अंधे कुएं हैं, और यहाँ पर फिर से एक चेयर दी हुई है बैठने के लिए। तो आपको लगता है कि मैं बैठूंगा यहाँ पर जाकर गेम नहीं खेलूंगा? हाँ तो आप बिल्कुल सही हो, और इस बार तो दो चेयर दी हुई है, मेरे साथ ही भी होना चाहिए कोई ना कोई। चलो ठीक है, आराम कर लिया। मे बी ये मेरी किसी इंसैनिटी से बचाने के लिए होगा कि मैं पागल वागल ना हो जाऊँ ऐसा कुछ। यार ये है क्या जगह, मतलब छोड़ो, इस जगह के बारे में धीरे धीरे पता करेंगे। जैसे जैसे हम इस पूरी जगह को एक्सप्लोर करते चले जाएंगे, वैसे वैसे इस जगह के बारे में और चीज़ें हमें पता चलती जाएंगी। इससे पहले मैंने एनामली लूप, जो कि जस्ट ऑनलाइन होने ही वाली है, वो गेम के लिए। और अगर आपको पसंद आए तो यार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वो गेम जरूर देखना, उसका गेम प्ले काफी। ओ माय गॉड भाई ये क्या है भाई, गलत है ये, और यहां पे जंप करने का कुछ दे रखा है। ठीक है, आई एम डूइंग गुड। ओके क्या मैं सही कर रहा हूं? ओ माय, अरे मैं तो नहीं गिरना नहीं चाहता था। ओके मैं खुद ही मर गया। ये टैलेंट मुझे में काफी पुराना है। ठीक है, लगता है कि मैं दूसरी जगह पर उठा हूं, यानी कि मैं मरा नहीं हूं। राइट, परफेक्ट, आई एम नॉट डेड। तो ये कोई अगला लेवल या फिर ऐसी कोई चीज होगी। जबकि मैं बिना पानी के पूल में गिरा था तो मुझे मर जाना चाहिए था, राइट? मगर इट्स अ गेम, यू नो यू कांट प्ले अ गेम। वो जैसा करवाएगी वैसा करते जाना है हमें। यहाँ पर कुछ ग्रीन स्ट्रिप्स के साथ चीज़ें आ रही हैं, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पर स्लाइड है जो नीचे की तरफ आएगी, और यहाँ पर सीढ़ियाँ जो हमें ऊपर लेके जाएंगी। अभी तक मैं किसी भी स्लाइड में नहीं चढ़ा हूँ, और अब मैं चढ़ने की सोच रहा हूँ किसी स्लाइड में, क्योंकि अगर इतना पैसा दिया या वाटर पार्क का तो स्लाइड के मज़े ना उठाएं तो फिर फ़ायदा क्या? काफ़ी बकवास हो चुकी है। अरे यार ठीक है, मैं बताता हूँ, अगर भूत है तो बताओ, आ जाओ सामने, ठीक है ना? नहीं है तो यार देखो, ड्रामा ड्रामा नहीं पसंद है मेरे को। ये बीच में क्या है? अच्छा हाँ, वो पूल्स ऐसे ही बने होते हैं ना।
छोटे बच्चे यहाँ आएंगे, बड़े बच्चे वहाँ आएंगे, और जो 6-7 फीट के हैं वो बिल्कुल बीच में चले जाएंगे। पानी कितना टपक रहा, पानी। कोई भी कोना मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरी नज़रों से बचेगा नहीं, सारा कोना देखते हुए जाऊँगा मैं, क्योंकि अक्सर ऐसे ही कोनों पे कोई ना कोई चीज़ें छुपी होती हैं, इंस्ट्रक्शंस या ऐसे लेबल्स जिससे हमें हेल्प मिल सके। इस कोने में भी नहीं है ना कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बंदा बात बात पे थक जा रहा है, ये इसकी भी प्रॉब्लम है, इसको एक्चुअली प्रॉब्लम है चलने से। देखो जब तक ऑब्जेक्टिव भी क्लियर ना हो ना तो थोड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ पर देखो स्टेयर्स दी हुई हैं ऊपर जाने के लिए, एंड ये पूरा एक सेंटर टाइप का पूल बना रखा है। और मैं आया था किस तरफ से, आया था आई थिंक इसी तरफ से आया था क्या? ए आई थिंक मैं, अच्छा हाँ मैं इस तरफ से आया था, और मैं उस तरफ जाके देखता हूँ। रुको, यहाँ पर जैसे भी आप आओगे आपको सिर्फ दो और दो ऑप्शन मिलेंगे, मल्टीपल ऑप्शन हैं, आप कहीं भी एक्सप्लोर कर सकते हो। इट्स लाइक वॉकिंग इन द पार्क, आई एम गोना गो। अगर अभी तक कुछ बुरा नहीं हुआ है तो अब हो जाएगा। और सामने देखो कुछ है, अगर कोई भूत पिशाच जैसी चीज है। इट्स अ डक, ओके इट्स अ डक, इट्स अ डक, ओके आई थिंक मुझे उसे लेना होगा, एंड वो किसी न किसी काम आएगी या फिर ऐसा कुछ। हाय डक, हेलो, क्या मुझे तुम्हारी मम्मी से मिलाना है? अंकल स्क्रूज। नहीं यार, इसका भी कुछ नहीं हो रहा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। आई एम जस्ट हियर डूइंग नथिंग, जस्ट लाइक माय फादर ऑन संडेज। ओ चढ़ भाई। हाँ चलो ठीक है, तो मैं यहाँ से आया था एंड अब मैं आगे की तरफ बढ़ जाऊँगा। मेरी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलें हैं, मुझे आगे चलते ही रहना पड़ेगा। यहाँ पर किसी ने इंस्ट्रक्शंस भी नहीं दिए हैं कुछ करने के, या लाइट्स एंड पूल्स हैं। इसे कहते हैं लिमिनल स्पेस, ऐसा स्पेस जो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट के लिए आपको जगह देता है। अब देखो यहाँ पर हैं कुछ चीज़ें। हाँ अब आई कुछ पजल वाली चीज़, दो ट्रायंगल के बीच में एक दरवाज़ा एंड दो सर्कल के बीच में एक दरवाज़ा। और सामने क्या है, मैं सामने देख के आता हूँ। एक सामने दरवाज़ा जो, अब मुझे चूज़ करना होगा कि मैं दो ट्रायंगल्स के बीच में जाऊँ, एक सेकेंड, या फिर दो सर्कल्स के बीच में से जाऊँ। चॉइस इज़ माइन, या फिर इन दोनों को चूज़ ना करूँ। और अगर मैं इन दोनों को चूज़ ना करता हूँ तो मेरे पास सामने आ जाता है एक तीसरा रास्ता। अच्छा उस तरफ से आवाज़ आ रही है सी, तो एक काम करते हैं देख कर आते हैं। अगर वहाँ कुछ नहीं मिला तो मैं सोच रहा हूँ कि वापस आ जाऊँगा, ताकि मैं ट्रायंगल या फिर सर्कल में से कुछ चूज़ कर सकूँ। तो ये तो सिर्फ मेरी एक सोच है, और शायद ही वो पूरी हो पाए। यहाँ पर फिर से हमारे सामने एक स्लाइड आ गई है। कहीं मैंने, ओके इट्स अ सर्कल एंड इट्स अ ट्रायंगल, वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। Where should I go? और एक नीचे भी है। हाँ नीचे से आवाज़ आ रही है, आवाज़ तेज़ होती जा रही है। ओ मर जाएगा क्या? अबे मर जाएगा। ओ अच्छा, ये अच्छा किया है। अच्छा यहाँ जाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा, तो should I go with the triangle? Okay? Nope. Anyone? किसी को लगता है कि मुझे सही फ़ैसला लेने में वो हेल्प कर सकता है तो कमेंट करके बताओ कि मुझे ट्रायंगल में जाना चाहिए या सर्कल में। चलो मेरे भाई, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चलो मेरे भाई, एकटा चलो या फिर सबको साथ लेके चलो। अभी तक ना कोई ऐसी एंटिटी हमें मिली है, किसी के हाथ दिखे थे तो उसके दिखे दो हाथ, मेरी फटके हो गई चार, तो इसलिए मैं वापस आ गया वहां से अपनी जान हथेली पर रखकर। सामने देखो कुछ है, कसम से पहली ओके आई थिंक इट्स अ प्रोग्रेस, मैंने कुछ तो नया किया है राइट। यहाँ पर थोड़ा सा ग्लिच हुआ, यहाँ पर भी जगह, मैं पहले अलमारी वाली जगह पर कंप्लीट चला जाता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर क्या मिलेगा, आगे क्या है।
सारा स्पेस भाई ऐसे ही है क्या कि करना क्या है? सारा का सारा स्पेस ऐसे ही है यहाँ पे, कहीं भी चलते रहो। देखो वापस पूल की तरफ आ गए, राइट। तो हम गए थे सर्कल, ये रहा सर्कल, सर्कल सर्कल ए सर्कल, हाँ इस सर्कल से गए थे और सर्कल से ही वापस आ गए। हम जाएंगे ट्रायंगल में। ओके लेट्स गो। सामने कोई पूल और यहाँ पर भी एक पूल है। किसने बनाई है यार ये गेम, कसम से कुछ तो इंस्ट्रक्शन देने चाहिए थे ना, मतलब कुछ तो बोलना चाहिए कि हाँ यार सुनो तुम्हें ना वहाँ जाना होगा, कोई आत्मा वात्मा फंस गई है या फिर वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगी, तो ऐसा मत करना वैसा मत करना। कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमें नॉट लुकिंग दैट गुड यू नो, इसलिए मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। या हो सकता है मुझे ऊपर की तरफ बढ़ना है आगे, फिर स्लाइडर से स्लाइड से होकर नीचे आना है, या फिर ऐसा कुछ करना है। मैं बस चले जा रहा हूँ, मैं बस चले जा रहा हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा ये मैप है, मतलब छोटा मोटा मैप नहीं है, इट्स अ ह्यूज मैप। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे पूल्स हैं। देखो मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया, राइट राइट, आई एम डूइंग गुड यू नो, व्हाट शुड आई डू? अगर मैं यहाँ से चलूँ तो क्या मैं इन चक्रियों से होते हुए ऊपर जा सकता हूँ या नहीं? देखो कहीं तो मुझे पहुँचना है, इतना मैं श्योर हूँ। जिंदगी हो चाहे गेम। आवाज़ आ रही है, कुछ आवाज़ आ रही है पीछे से। हम हमेशा की तरह इग्नोर करेंगे ऐसी आवाज़ों को और आगे बढ़ेंगे, राइट। सामने फिर से दो सर्कल, फिर से मेरे सामने आई थिंक चॉइस आने वाली है। अच्छा दो सर्कल सामने, मैं क्या ट्रायंगल से बाहर निकला जबकि मैं गया सामने था? ओके ठीक है, वेट, तो सामने से गया था, ट्रायंगल सर्कल से बाहर निकल चुका हूँ मैं एक बार, एंड ट्रायंगल से अभी बाहर निकल चुका हूँ। सर्कल को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं मेन गेट्स की तरफ से। मुझे इसके मैप को शायद दिमाग में बिठाना होगा, उसके बाद डिसीजंस लेने होंगे कि करना क्या है। ओके ठीक है, देयर इज अ प्लेटफॉर्म एंड पानी से बाहर रह के चलो तो ज़्यादा फायदा लगता है। ओके लेट्स गो, सामने वाले दरवाजे पे चल के देखते हैं। ग्रीन पजल एंड उधर रेड एंड कुछ, ओके यहाँ पर भी कुछ है। मैं सामने से आया, मैं लेफ्ट गया या राइट गया पता नहीं, चलते रहूँगा मैं, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ फिलहाल, तो कुछ खास समझ नहीं आ रहा है। ओके देयर इज अनदर चेयर, आराम कर ले बेटा, बैठ गया। सांस ले रहा है बंदा, ले भाई ले। पता नहीं अब लेने को मिलेगी या नहीं। कुछ नहीं है, मुझे ऊपर जाना है या फिर देखो यहाँ आवाज आ रही है ना। ओ गिर जाऊंगा, रुक जाओ 1 सेकेंड। ये पानी की, ये मेरी है ना, हाँ मैं यहीं से तो गया था, राइट। ये वही ट्रायंगल वाला सीन है डूड, जहाँ से मैं गया था डूड, और यहाँ पर आने के बाद मैं मर गया था डूड, आई नो डूड। वहाँ से मैं वापस आ चुका हूँ, यहाँ से भी मैं जा चुका हूँ, दोनों को मैं एक्सप्लोर करके देख चुका हूँ। यार कुछ समझ नहीं आ रहा कि सीन क्या है। इससे बढ़िया तो मैं उस भूत वूत के हाथों पड़ जाता तो ज़्यादा सही रहता। ये हाँ ये चेयर के साथ सामने से मैं आया था, एंड ये ट्रायंगल है, इसके बगल से मैं गया था बट मैं यहाँ से नहीं गया था, तो अब मैं यहाँ से जाऊँगा एक बार, जबकि दोनों सेम ही स्पेस हैं यार। मैं यहाँ से चढ़ गया था ऊपर, हाँ ठीक है, तो मैं नीचे से नहीं गया था ना। चलो देख लेते हैं एक बार यहाँ भी क्या है। ओके वो अलमीरा वाली जगह मेरे बगल में ही पड़ रही है, और आई थिंक मैं इस जगह पर भी था, और यहाँ से एक रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है। सी ज़्यादा नीचे तो नहीं जा रहा बट हाँ यहाँ पे पानी नहीं है। ओके नाउ देयर इज समथिंग डिफरेंट लाइक दिस, कुछ तो चेंज हुआ है पहले से थोड़ा सा। और नीचे देखो पानी में कुछ तैर रहा है, वो रहा कुछ है नीचे। शुड आई गो डाउन?
ओके मैं ऐसे नहीं जा पाऊंगा। हाँ यहाँ पर दो हैं, ये दो चीज़ें हैं क्या भाई? दिस इज समथिंग आई शुड नॉट बी टचिंग, मुझे ऐसा लग रहा है। सिर्फ दो ही हैं, पता नहीं क्यों है। आई एम श्योर यहाँ से रास्ता है, वो बाहर जाने का या अंदर आने का पता नहीं। एक रास्ता यहाँ से भी, वो सामने कुछ है। ओके इट्स अ डोर, इट्स अ डोर, लेट मी सी। ओके ये रहा पानी तक, पानी की तरफ जाने का रास्ता, और वहाँ पर भी। ओके ठीक है, खोपचे वाला रास्ता है। आई थिंक फिर से आवाज़ें आ रही हैं कुछ, और मैं आई थिंक अब सही जा रहा हूँगा, पता नहीं। यहाँ पे चेयर्स पड़ी हैं, कुछ चेयर्स यहाँ पे पड़ी हैं। भाई क्या है, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है, करना क्या है? कोई पज़ल है तो मतलब पता तो चलेगी। हाँ भाई कोई पज़ल है, कोई मैप होना चाहिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। ओके ठीक है, मैं समझता हूँ इंस्ट्रक्शंस नहीं है, बट एक लिमिटेड स्पेस होना चाहिए था जहाँ की चीज़ों को मैं एक्सप्लोर करके खुद ही से समझ पाता कि भाई इस पहेली को सुलझाना कैसे है। अभी तक मैं एक बार डर रहा हूँ उसके हाथ देखकर, एक बार डक देखकर। ओके देयर इज अ मूर्ति, इट्स अ स्टैचू सम काइंड ऑफ। ये किस चीज, किसकी मूर्ति है, मतलब किसका स्टैचू है ये? मैं एक स्टैचू तक तो पहुंच गया हूँ, काफी चमकता हुआ स्टैचू। ओके डू यू हैव एनीथिंग फॉर मी डूड? यहाँ से आवाजें आ रही हैं और काफी तेज आवाज आ रही है, ऐसा लगता है वहां से आवाज आ रही है। अच्छा वो लाइट्स वगैरह की आवाज थी, ठीक है। यहाँ पर भी है कुछ, यहाँ पर भी है कुछ, यहाँ पर फिर से अलमीराज रखी हुई हैं, और ये रास्ता मुझे लगता है बंद है, नहीं बंद है। ओह एक सेकेंड, किसी अलमारी में से आवाज आई थी राइट? ओके यहाँ भी कुछ नहीं है ना, यहाँ भी कुछ नहीं, ठीक है लेट्स गो। आगे बढ़ने की तैयारी करते हुए, और ये हमें मिला लाल वाला स्लाइडर, जो कि हम अभी तक एक बार भी यूज़ नहीं कर पाए कोई सा भी, लाल वाला तो छोड़ो। और यहाँ पे एक पतला सा स्पेस है, सारे कॉमन स्पेस में से यही अनकॉमन स्पेस है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली इसमें घुसेंगे। अच्छा नहीं घुस पा रहे वो अलग बात है, मगर मैं घुसना तो चाहता हूँ। ऊपर क्या है, सिर्फ दीवारें, मेरी किस्मत की तरह। ला 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 बेटे भाई कुछ 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 बता दो प्लीज, कोई बता दो सच में। ये गेम तो मुझे लगता है मुझे स्ट्रीम करनी चाहिए थी, क्योंकि अभी तक इसमें कुछ भी पल नहीं पड़ रहा है कि मैं यहाँ पर करके रहा हूँ। ये क्या जगह है, और मैं ट्यूटोरियल वगैरह देखकर नहीं आना चाहता, मैं खुद ही एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि यार इस पूरी गेम में एक्चुअली में है क्या, इसमें ऐसा क्या खास है जो काफ़ी लोग इसको खेल रहे हैं, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। मैं भी पसंद करना चाहता हूँ, मैं भी खेलना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे खेलने दो, मुझे समझ तो आने दो कि इसमें है क्या। ओके नाउ इट्स अ ग्रीन स्लाइडर, उधर है रेड स्लाइडर, एंड ठीक है आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट द। ओके नाउ इट्स ब्लू स्पेस समथिंग, ओ माय गॉड यहाँ तो पानी भी नहीं नीचे, उधर से सीढ़ियां हैं, इधर से भी सीढ़ियां हैं, गिर के देखो क्या। ओ ओ माय, ओ भाई क्या है ये सीन, मैं सच में गिरने की सोच रहा था यहां पे, और मैं चलने लगा, पहले चलती थी नहीं और अब चलने लगी। ओके ठीक है आई कैन वॉक ऑन दिस, आई एम लाइक जीसस नाउ बिकॉज़ आई कैन वॉक ऑन वाटर। किसी दिन पानी से वाइन भी बनाने लग जाऊंगा ना, तो मैं सर्टिफाइड जीसस बन जाऊंगा पता है। ओके वी आर शावर, शावर है यहाँ पर, कुछ अंडरग्राउंड एरिया है, आई कैन कैन नॉट डू एनीथिंग रा एज यूजुअल। अब हाँ अब कुछ अलग सी जगह आ रही है, अब स्पेस और धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है अब मैं यहाँ पर निकला हूँ, लेट्स सी लेट्स गो।
रुक जा, गिर जाएगा मर जाएगा पागल, रुक जा। चलो चलें आगे बढ़ते हैं, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पता नहीं ये कहानी हमें कहाँ तक लेकर जाएगी, बट मुझे लगता है जहाँ तक भी लेकर जाएगी बहुत ही अच्छी बात होगी। और मैं यहाँ से कूद के गिर जाऊँगा और फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा। कैसी बातें कर रहा हूँ मैं ना, हाँ अजीब सी, क्योंकि ये जगह मुझे ऐसे ही पागल बना रही है जैसे मैं आप लोगों को पागल बना रहा हूँ इस टाइम पे। जो भी वीडियो देख रहे हैं आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या देख रहा हूँ, तो आप तो सिर्फ देख रहे हो यार, मैं ये सोच रहा हूँ मैं क्या खेल रहा हूँ। ओ कुछ था यहाँ पे, मेरे मुंह पे पानी मार के गया कोई। कहाँ गया वो? ओके कोई मेरे मुंह पे पानी मार के गया गाइस, अच्छा तो नहीं लगा मुझे वैसे, अच्छा खासा आपने, मैं घूम रहा था यहाँ पे एंड सडनली एक बूम ऐसा करके आया। और उधर उधर एक जगह है आई कैन सी, बट आई थिंक एक बार मैं पीछे की तरफ से ना एक्सप्लोर। हाय माय ओल्ड बडीज, कैसे हैं आप लोग? काफ़ी अच्छी जगह आप तैरते रहते हैं, एक बार यहाँ से निकलने का तरीका बताएंगे आप? ओके मैं इसको देखता हूँ ज़रा, यहाँ पर एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बहुत सारे, क्यों इसका क्या मतलब हो सकता है? पता नहीं, कुछ भी मतलब हो सकता है। चलो थोड़ा और एक्सप्लोर करके आते हैं यहाँ से। ये पानी की आवाज़ है गाइस, इसको थोड़ा सा अवॉइड करना अगर आपको पानी से डर लगता है, मुझे लगता है तो मान ही लेना इस बार। ठीक है, वी हैवन डन एनीथिंग रॉन्ग एंड हम हैं ऊपर वाले के बंदे और हम इस चीज़ को कंप्लीट करके ही रहेंगे, ठीक है, डरेंगे नहीं। ओके नोबडी इज फॉलोइंग मी, किसी को मतलब नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। ठीक है, मैं फालतू में घूम के आया इतनी दूर से, कुछ खास नहीं मिला। चलेंगे आगे बढ़ेंगे और घबराएंगे नहीं, ठीक है। हम रहे यहाँ पर और यहाँ पर पड़ी हैं चार चार कुर्सियाँ, चार नहीं काफ़ी सारी कुर्सियाँ यहाँ पर, और यह म्यूज़िक चल रहा है, इट्स लाइक जैज, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में चलता ना वैसे। ठीक है, लग तो रहा है कि मैं हाँ कुछ तो प्रोग्रेस कर रहा हूँ। ये रहा स्पीकर, क्या मुझे बैठ के आराम करना चाहिए या फिर मेरे साथ और मेहमान आने वाले हैं? किसी के बारे में तो बता दो भाई, मुझे यहाँ बहुत अकेला फील हो रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं, वो म्यूजिक हमारे लिए नहीं था, शायद कोई दूसरे मेहमान आने वाले हों उनके लिए हो। कीप मूविंग। कब तक चलता रहूंगा मैं, ऐसे कब तक चलेगा भैया? पता नहीं, ये मूर्ति पूरी नहीं हुई और यहाँ पर कुर्सियाँ लगा दी इसको देखने के लिए। इसका तो पूरा का पूरा मतलब लाइट में मुंह घुसा दिया यार। कुछ लिखा है यहाँ पे डूड? कुछ है नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें ना ऐसे कोई हिंट्स नहीं है जैसा कि मैं ढूंढने की सोच रहा हूँ। ठीक है, हाँ ये ग्रीन वाला स्लाइडर यहाँ जा रहा है। एक शॉर्ट्स में देखा था मैंने, बस इतना ही याद है मुझे, एंड देर वॉज दिस फीमेल टाइप की वो सांप वाली चुड़ैल जो पीछे पड़ जाती है, बस इतना ही मैं जानता हूँ इसके बारे में अभी। एंड वो शॉर्ट्स को देखकर ही मेरे दिमाग में आया कि यार हाँ यार ये गेम थोड़ी सही लग रही है, तो मैंने खेलने का सोचा। और वो पता नहीं वो लेडी मुझसे नाराज़ हैं कि पता नहीं क्या हुआ है, वो कहाँ गई हैं अभी तक मुझे मिली नहीं, उनको ढूंढने की मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ सच्चे मन से। मैंने 3 बार आवाज़ भी लगाई है, पूछ वाली अम्मा, मगर वो सुनती नहीं है। चलो हमारा क्या काम है यार, हम चलते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे। और शाइन देख रहे हो यार, मतलब ग्राफिक्स ऑब्वियसली यार अनरियल इंजन 5+ पे ही बनाया होगा। आराम से एक सेकंड यहाँ देख लेते हैं। ओके कुछ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, इतना अंधेरा तो आँख बंद करने की बात भी नहीं होता। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम पहुंच गए हैं स्लाइडर की तरफ, पहला स्लाइडर हमारे सामने और हम जा रहे हैं स्लाइडर पे।
क्या स्लाइडर पे जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, यानी अचीवमेंट? इतना लंबा तो स्लाइडर नहीं था, मुझे भी पता है। चपाक, मस्त गिरा मैं। व्हाट व्हाट द हेल, अबे क्या चल रहा है यार ये? चढ़ भाई चढ़। ओ साउंड डिजाइन इज ऑन स्किल ड्यूड। ठीक है कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से एंड कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा एक्सप्लोर हो सके हम उतना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हमने कसम खाई है हार ना मानने की। और मुझे लगता है कि अगर इसमें पानी की तरफ जाने की कोशिश करूँगा तो आई विल बी डेड। ओके 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 ओके, आई आया, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। ठीक है दोस्त चलो आगे, और तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा तो हमें समझदारी से काम लेना होगा और अंधों की तरफ भागना होगा इसके पीछे। अब देखो यहाँ पर जो डक मिली है उसकी खोपड़ी नहीं है। ओके नो, ओके वेट, कैन आई यूज दिस? हाय, और इसमें ब्लड सा आ रहा है क्या? ऐसा है क्या कुछ? नहीं खून नहीं है वो, खाली इट्स लाइक अ ट्रिक ऑफ द लाइट। मैं इसे ऐसे बाहर लेके निकलता हूँ, रोको। इसको कोई होल्ड नहीं कर सकता, इसको मैं पकड़ नहीं सकता। इसको मैंने पानी से बाहर निकालने की कोशिश की तो मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ, यहाँ पर अटक गया ये। ठीक है आगे बढ़ते हैं और अगले स्लाइडर पे जाते हैं, तो कम से कम ये हमारा सेकंड स्लाइडर, हम वहाँ तक तो पहुँचे, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इसके लिए मैंने पार्टी रखी है गाइस, जितना जल्दी हो सके आ जाना। और मुझे लगता है कि हम पहुँच गए हैं दूसरे स्पेस की तरफ। काफी सुंदर, नाउ वी आर एट द ब्लैक स्पेस। ब्लू हमें लिया है ब्लैक की तरफ। ठीक है नॉट बैड, अभी तक डरावनी चीजें कोई भी नहीं हुई हैं, बस मैं पेशेंस के साथ एक्सप्लोर करता जा रहा हूँ, बस चलता जा रहा हूँ, बस चलता जा रहा हूँ। एक बारी किसी का हाथ दिखा था, एक डक दिखी, एक हाथ दिखा, एंड उसके बाद एक कोई मुंह पे पानी मार के चला गया। इससे ज़्यादा अभी तक कुछ नहीं हुआ है, अभी तक तो मैं बोर हो रहा हूँ। आप भी सोच रहे होगे आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो, क्योंकि आप भी बोर हो रहे थे तो आपने सोचा कुछ एंटरटेनिंग देख लेते हैं। मगर आपने जब ये वीडियो देखी आपने सोचा ये मैं क्या देख रहा हूँ। बस उधेड़ बुन चल रही है हम दोनों के बीच में, आप भी देख रहे हो मैं भी कर रहा हूँ। अब मैं ये गेम क्यों खेल रहा हूँ? क्योंकि आप देख रहे हो। इट्स लाइक अ सर्कल ऑफ लाइफ। यहाँ भी कोई रास्ता देखो, अभी अभी बंद है, बाद में खुलेगा ऐसा लगता है। भाई इतनी देर बाद इतनी जरा सी जगह में ऐसा कोई रास्ता बना भी दोगे ना तो मैं जाऊँगा भी नहीं। ओ भाई वर्टिकल पानी होल्ड करके रखा यार, ग्रेविटी गई। हाँ ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती, समझ रहे हो? यहाँ पर ये सारे जो बलून वलून टाइप की चीज़ें हैं वो सारी लटकी हुई हैं। इट्स लाइक वहाँ पर कुछ है वाइट, लेट मी चेक इट आउट। यार ये दिखी दिखी जगह लग रही ना, तो रहने दो फिर, ऐसी जगह जाएंगे जो हमने नहीं देखी है। दिखी दिखी जगह क्यों जाएं? हो सकता है कुछ चार दरवाजे हों। ये पर्पल वाला है, इसमें इंडिकेशन दे रखा है यहाँ पे। नाउ आई थिंक मुझे कलर के साथ, नहीं कलर है मगर डोर नहीं है, ब्लू वाला, इसको ब्लू वाला मैं बोल सकता हूँ। हाँ ये देखो ये और अंधेरे की तरफ जा रहा है, और ये शायद वही है जहाँ से मैं आया था। चीटिंग करता है यार ये। ठीक है इट्स एन ऑरेंज ब्लू येलो, ऑरेंज ब्लू येलो, व्हाट एल्स डू वी हैव? इसके अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे इंडिकेट कर दे। नाउ इट्स पर्पल डोर, तो मतलब एक ही डोर है ना बेसिकली, तो ठीक है इसी में जाना है। चलो ठीक है आ रहा हूँ, टेंशन ना लो, आ रहा हूँ। ये सारी गुत्थी में सुलझा के रहूँगा, ठीक है? फिलहाल तो मैं ऊपर जा रहा हूँ, बाद में नीचे आता हूँ, ठीक है? लिमिनल स्पेस, लेमी सी। ये बंदा यहाँ घुसा कैसे होगा? मैं बता रहा हूँ ये सस्ती मसाज के चक्कर में आया होगा और ये फंसा दिया होगा इसको। ये क्या है? ओ माय गॉड, वाओ। अच्छा
ओके अच्छा ये वो है ना वो जहाँ पे नंगे लोग बैठ जाते हैं यार, क्या बोलते हैं इसको यार, स्टीमिंग रूम। बढ़िया, तभी तो स्टीम गिर रहा मेरे ऊपर। नॉटी नॉटी, गलत बात। एक और स्टीम रूम जब मिल गया तो एक्सप्लोर करते हुए चलते हैं, क्या पता यहाँ पर कोई हिंट मिल जाए या फिर कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसको मैं देखकर समझ सकूं कि ये हो क्या रहा है। ओ मैं कहाँ से कहाँ जा रहा था, एक मिनट, पीछे स्टीम रूम था ना राइट में, हाँ तो मैं लेफ्ट में, ठीक है सही जा रहा था। एक और स्टीम रूम हमारा इंतज़ार करते हुए और हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और हम अंदर घुस गए और ये भी सेम टू सेम स्टीम रूम है। मैं बस इस लालच में अंदर जा रहा हूँ कि शायद कुछ मिल जाए, कोई ऐसा हिंट या फिर ऐसी कोई चीज़ जो बाद में हो सकता है हमारे काम आए, और कहीं मैं उसको मिस कर दूंगा तो फिर वो नहीं मिलेगी, है ना, समझ रहे ना दोस्तों। ये क्या है यार, ओ पॉटी बॉक्स, पॉटी मुझे वैसे आ ही रही थी पॉटी, अच्छा हुआ किसी ने यहाँ पे पॉटी रख दी है। नहीं यार, इट्स अ कमोड, आई एम नॉट फीलिंग। क्या चल रहा है, ये भी रास्ता था ना, दो रास्ते थे। मैं अब तो खतरनाक वाले में ही जाऊँगा, मैं नहीं जा रहा देखो सीधे वाले में। वो देखो सामने ग्रीन में कुछ बना हुआ है, किसी दीवार पे वो रखा हुआ है। ओके नाउ देयर इज अनदर, वो देखो वो बतख उछल रही है वहाँ पे पानी में, चपक चपक कर रही है। चलो बतख लेकर आते हैं, वो बतख मिलेगी तो नहीं, छोटे छोटे पूल्स बना रखे हैं। सो दिस गेम इज ऑल अबाउट पूल्स एंड आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा यहाँ पर। ओके फिर से वैसे ही स्पेस आ गया जैसे अलमारी वाला था और फिर अंडरग्राउंड में था। आपको कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेंगी, आपको कुछ भी पहले से नहीं पता होगा। अगर आप इस गेम के बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करके आओगे तो ही फायदा हो सकता है। तब हम चलेंगे फिर से स्लाइड करने के लिए, क्योंकि हम इसे छोड़ेंगे नहीं ऐसे ही। अब मुझे पता आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ये वीडियो नहीं देखने वाले हैं कम्प्लीट, बट स्टिल आई विल ट्राई टू कम्प्लीट दिस गेम। ये मजा, देखा नई जगह पहुँचाना, मैं ऐसी मेहनत करते रहता हूँ। और नीचे कुछ है, कुछ है, हाँ नीचे पानी है। कोई बात नहीं, अब ये भी नहीं पता है कि कितनी सारी स्लाइड्स को हमें यूज़ करना होगा सारे लेवल्स तक पहुँचने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ही दो रास्ते दिखाए जाते हैं। एक ये रहा ब्लू की तरफ जा रहा है हमें, ठीक है ये तो इट्स लाइक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एंड द अदर वन इज दिस वन। ओके वी आर अगेन, अच्छा ठीक है इट्स नॉट दैट बैड, वी आर इन द स्टीम रूम, बट यहाँ पर से एक और स्टीम रूम। कसम से यार, अगर मैं चाहता हूँ, अगर मेरी कोई माने ना, मैं तो चाहता हूँ कि ब्लेयर विच का कोई सेकंड पार्ट निकाल दे भाई, वो गेम काफ़ी सही थी, मुझे तो सही लगी। मतलब उसके एंडिंग को थोड़ा सा और अच्छा बना सकते थे, बट दैट गेम वॉज ओके ओके ओके, ठीक है आई एम योर गॉड, आई एम योर गॉड, ओके जस्ट डोंट, हाथ मत मिलाना, हाथ मत मिलाना, बस हाथ मत मिलाना, परफेक्ट ठीक है। कोई नहीं हिल रहा, मैं चेक कर रहा था कोई हिल तो नहीं रहा ना। अरे नहीं डरता भाई मैं तुम लोगों से, मैं नहीं डरता, कोई पीछे तो नहीं रहा, हाँ ठीक है मैं नहीं डरता, पीछे मत आना, बस पीछे आने वालों से मेरे को दिक्कत होती है। अरे जाने दो यार, यहाँ पे काफ़ी सारे कमोड पड़े हुए हैं। तो बेसिकली ये कोई खोपचे वाली जगह थी जहाँ पर रईस लोग आके गुलू गुलू करते हैं, एंड वहाँ पर पानी वानी भर गया होगा काफ़ी ज़्यादा। ओ भाई क्या मस्त स्लाइडर आया, एक नंबर। अब मुझे यहाँ पे फिर से तीन चॉइसेस मिली मुझे लगता है, एंड सामने में देखूँ वहाँ पर, हाँ इस वाली में रास्ता है,
तो मैं ऐसे चला जाऊंगा क्या चढ़ते हुए? आई एम डिफाइंग ग्रेविटी। ओ भाई कितना सही बनाया यार। पता भी नहीं चला एकदम कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं। ठीक है, सो आई एम इन गुड हैंड्स आई बिलीव। ओके, यहां पर आ गए हम पर्पल की तरफ आ गए। ठीक है, अपने काफी सारे कलर तो कंप्लीट कर लिए एंड आई एम नॉट श्योर। यहां पर देखो काफी चीजें बेंड होने लगी हैं लाइक, एंड यहां पर एक येलो बटन है। ऑब्वियसली आई एम गोना प्रेस इट। ओह अच्छा, ये बटन वटन नहीं है। अबे लुढ़क गया। आराम से भाई उठ जा। ओके कैमरा, अच्छा ठीक है, कैमरा हाथ से निकल के गिर गया था एंड वो बंदा आता है एंड कैमरे को उठा लेता है। उसके बाद पीछे देखता है अपने, और यहाँ पर देखता है तो काफ़ी गहराई है, काला अंधेरा, सॉरी अंधेरा तो काला ही होता है। मेरी फिजिक्स को कुछ हो गया है लगता है, किसी ने नज़र लगा दिया है। और देखो ये अगर देखकर आपको याद आ रहा है तो अगर आपने कभी मोबाइल गेम्स का आपको शौक़ हो तो इसको देख के कोई किसी गेम का नाम याद आ रहा होगा, वो गेम का नाम मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं उस पर रियल में रिप्लाई करूँगा कि आपने सही गैस किया है या नहीं। एक छोटी सी गेम थी काफ़ी 2D टाइप की, उसमें एक छोटी सी लड़की थी जो फ्रॉक सी पहनती है और उस ट्रायंगल टाइप का हैट लगाती है। मैंने इतना बड़ा हिंट दे दिया ना, मतलब इससे बड़ा हिंट तो हो ही नहीं सकता। देखो सामने एक बंदा पॉटी कर रहा है और बाकी बंदे उसे देख रहे हैं, मतलब एक बंदा उसे देख रहा है। यार गलत बात है यार, ऐसे नहीं देखना चाहिए। लगता है इसके कब्ज हो गया, इसको ना दिक्कत हो रही है पॉटी वोटी करने में। लग रहा है फ्लश कर दो, रुक जा भाई, मेरे हाथ काम कर रहा था पक्का फ्लश कर देता, डोंट वरी। ऐसे मत देख, पीछे जा बदतमीज। पता नहीं यार कैसे कैसे लोग हैं। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। काफ़ी चीज़ें हमने इसमें एक्सप्लोर की हैं और हमें फ़िलहाल कुछ भी ऐसा डरावना सा देखने को तो नहीं मिला, जैसे कि अभी सामने मिल रहा है। सामने बंदा बैठा हुआ है चेयर पे एंड काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा है। ये बंदा अपने कॉन्स्टिपेशन से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं कॉन्स्टिपेशन से। देखो शीशे वीशे तोड़ के बाहर मत आना, अच्छा नहीं लगता मेरे को ये सब। बस मेरे को पीछे ना पड़े, मतलब ठीक है डराए, मगर वो पीछे पड़ने लगते हैं ना एकदम, भागने लगते तो भागना होता है भाई, उसमें मेरी बहुत हालत ख़राब होती है। मैं चिल्ला के भागता हूँ। मेरे पड़ोसी भी कहते भाई क्या करता रहता रात को, तेरी ही आवाज़ है ना। मैं हाँ भाई मेरी ही आवाज़ होती है। कहते तो लड़कियों की तरह क्यों चिल्लाता है? मैं कहता चिल्लाते टाइम थोड़ा ना सोचता हूँ जेंडर कौन सा है, मेरे को तो डर लग रहा है ना, तुम जज कर रहे हो, तुम्हें क्या पता। ठीक है कम से कम आगे तो पहुंचे हम। ओके देयर इज अ चेयर हियर एंड एक दरवाज़ा वहाँ पर भी होगा, एक दरवाज़ा यहाँ पर भी होगा। एक और चेयर पड़ी है यहाँ, इसमें नहीं बैठूंगा मैं एंड ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक और म्यूज़िक, कुछ अलग तरीके का म्यूज़िक यहाँ चलने लगा था और फिर मैं उससे आगे आ गया और यहाँ पर सारी लकड़ियों की चीज़ें। चलो कम से कम कुछ तो चेंज हुआ है, काफ़ी देर बाद एक नए स्पेस पर हम आ गए। ओ भाई साहब, देखो मैं देखते ही समझ गया हूँ कि इट्स अ फकिंग बैड मेज। ठीक है, सबसे अच्छा रूल सामने चलो नाक के सीध में। यहाँ देख लेते हैं लेफ्ट एंड राइट, इस तरफ आवाज़ आ रही है तो मैं इस तरफ जाऊँगा मैक्सिमम। ठीक है एंड देन ठीक है, मैं चारों खाने चित्त हो गया क्या? अब मैं पागल हो जाऊंगा, अब मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे आवाज़ की तरफ जाना है बस, मुझे इतना पता है। अच्छा आवाज़ यहाँ से आ रही है, बेकार है फिर तो, मैं वहाँ चढ़ ही नहीं सकता अगर आवाज़ वहाँ से आ रही है तो। मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा जो कि आई थिंक यहाँ कुछ शाइन सी आ रही है। हाँ ये रहा, ठीक है मिल गया, तो ज़्यादा देर तो नहीं लगी। भाई कहाँ जा रहा है ये बंदा, क्या है आगे? और मैं चलते जा रहा हूं भाई, क्या हुआ? कौवा मेरे बच्चे को, कौवा गिर गया।
बेचारे की टूट गई, फिर से पानी में आ गया। ओ अच्छा अच्छा टूट गई, ठीक है, छत टूट के बंदा नीचे गिरा है एंड अब हमारे कंट्रोल में आ चुका है, अब हम इसको आगे बढ़ा के लेकर जाएंगे। टेंशन लेने की बात ही नहीं है यार, काफ़ी सही जा रहे हैं हम। ओके फिर से वो पानी का भपका आया मेरे मुंह पे, और सामने देखो सामने, अरे सामने देखो क्या हो रहा है ये, ए बारबेक्यू बारबेक्यू डूड। हाँ जाऊंगा ही मैं भाई, डराने की कोशिश करने की जरूरत भी नहीं है मुझे, नहीं डरता मैं, नहीं डरता। देखा ये पानी का ये जो आ रहा ना ये झोंका सा उड़ता हुआ पानी मुंह पे आ रहा, जो इससे काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है मुझे, और ऐसा लग रहा है कि मैं सही जा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। सामने गेट है और एक गेट राइट में भी है, एक गेट लेफ्ट में भी है, तो मैं राइट में जा रहा हूँ इस बार। मैंने काफ़ी बार लेफ्ट की तरफ ही अपना कंसंट्रेट करके रखा हुआ था। वो देखो अब मैं इसके मुंह में जाऊंगा। हथरों के खिलाड़ी, कुछ है तेरे मुंह में? कुछ नहीं, बेकार का मुंह तेरा, पक टाइम वेस्ट कर दे मेरा। यहाँ पर जाकर देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। ठीक है अभी तक तो देखो इतना बुरा नहीं लग रहा, काफ़ी ठीक ही लग रहा है। ये दोनों रास्ते एक ही तरफ जा रहे हैं तो मैं यहीं से निकल जाता हूँ, क्यों लंबा क्यों लंबी जगह से होकर जाऊँ। ये जा रहा है ऊपर की तरफ, काफ़ी अंदर अंदर घुसते घुसते मैंने सोचा कि चलो एक टर्न ले लेते हैं और ऊपर की तरफ चलते हैं। अब आई एम नॉट श्योर कि ये डिसीजन सही होगा या गलत होगा, पता नहीं, बट जितना हो सके मैं उतना ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आई थिंक शायद कोई स्लाइडर हो और वो मुझे मिल जाए तो मैं उसको यूज़ करके फिर आगे नीचे शायद किसी और एरिया में पहुँच सकता हूँ, जो कि स्लाइडर अभी तक मुझे इतना दिखे नहीं है। देयर इज अ डोर, और पहली बार मुझे इसमें कोई दरवाज़ा दिखा है, एंड यहाँ से ऊपर चढ़कर भी एक दरवाज़ा है एंड नीचे भी है। ये तो एक वैसे वाला है, ओपन एंड क्लोज वाला। यार ये क्यों कर रहे हैं, अब मैं देखो नए एरिया में आ गया हूँ। ये वन सेकेंड, ये सेम, ठीक है ये चीज़ यहाँ से लेफ्ट है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ से निकल रहा हूँ तो यहाँ से लेफ्ट में भी है राइट में भी है। चलो ऊपर चलते हैं, छोड़ो यार ज़्यादा नहीं सोचते, ऊपर चलते हैं। मैं नीचे वाली जगह काफ़ी सारी छोड़कर आ गया हूँ और हो सकता है कि इस वजह से कोई नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, बट जहाँ तक मुझे देखने में लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। आई एम गोना गो फॉर द स्लाइड, ओके दिस इज स्लाइड, ये जा रही है ऊपर की तरफ तो मुझे और ऊपर जाना चाहिए। थोड़ी सी तो लिफ्ट करो दे बंगला मोल्टर कर दिला दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, लिफ्ट 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 कैसे कैसे को दिया है। ओके इट्स अ वॉल जिसमें, ओ माय गॉड जादू से दरवाजे खुल रहे हैं मेरे लिए, क्या बात है। अब पता नहीं इसमें जाना था या नहीं जाना था, मगर एक्साइटेड लगा तो मैं चला गया। हो सकता है कि मैं सरवाइव ना कर पाऊँ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड भाई कितना बड़ा स्पेस है यहाँ पर, कितनी सारी स्लाइड्स हैं, मतलब अगर ये पजल होती तो शायद ही मैं कभी इसको सॉल्व कर पाता। यहाँ पर एक स्लाइडर है, यहाँ पर स्लाइडर है, और किसी के मुंह में से निकल रही हैं, कोई हाथ दे रहा है, क्या चल रहा है ये टांग है, हाँ हाथ है। माय क्या बढ़िया जगह है, एक नंबर। ठीक है जिसने यहाँ पर घुसा है वहाँ पे इससे निकलने का तरीका भी बताएगा ही। सामने दरवाज़ा मुझे दिख ही गया, बहुत सही डिज़ाइन किया है भाई गेम के इंटीरियर को, मतलब गेम को ना बड़ा अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। पानी का जो है वो हिसाब किताब बहुत बढ़िया है, पानी के रिफ्लेक्शन जो हैं, डेप्थ कितनी क्रिस्टल क्लियर पता चल रही है, और इसके एनिमेशंस जो हैं वो काफ़ी इम्प्रूवड हैं। देखो मोस्टली चीज़ें ना मैं ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में बताने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि जो ज़्यादातर देखने वाले बंदे हैं ना यार अपने जैसे लोग ही होते हैं, ठीक है, जो कि इतनी ज़्यादा हैवी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते।
नहीं तो मैं टेक्निकली वे में बोलने लगूँ तो फिर मैं टेक्निकली बोलता रह जाऊँगा, फिर वो आदत पड़ जाएगी। तो मैं अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसको बस पकड़ में रखना चाहता हूँ कि जब हम गेम खेलें तो मज़ा आए। घुस जाऊँ वाइट में? नहीं हो पा रहा, तो यहाँ से निकलते हैं बाहर। ओके, सामने देखो कुछ है। काफ़ी देर की मेहनत के बाद मुझे सामने कुछ दिखाई दे रहा फिर से। अच्छा, लोगों का स्ट्रक्चर बना हुआ है भाई, क्या बात है भाई, एक नंबर। अच्छा ठीक है, मैंने वहाँ येलो वाला दबाया था। अच्छा येलो वाले पाइप में मैं गया था ना एक बार, अब मैं ब्लू वाले पाइप में जा रहा हूँ। मज़ा आया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। कुछ तो मैंने अच्छा स्लाइड चूज़ किया इस बार में, और मैं इस बार काफ़ी दूसरी जगह पर आ गया हूँ जहाँ पर ईंटें बरसी हुई हैं, और ईंटों की वजह से पूरा की पूरी जगह ख़राब हो चुकी है। तो इसको मैं हटा कैसे सकता हूँ मुझे नहीं पता, कोई खुद ही हटा के देगा, तो हटाना है ही नहीं क्योंकि हमें दूसरे दरवाजे जाना है। सिंपल है यार, बड़ा सिंपल है। देखो दोस्तों, मुझे एक्चुअली मैं माइक इकट्ठा करना है, मतलब माइक कह रहा हूँ, माइक लेना है काफ़ी अच्छे वाला। एंड उसके लिए कम से कम जब तक मेरे 500 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते तब तक मैं माइक नहीं ले सकता हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक अच्छा सा माइक ले लूँ, यार सब्सक्राइबर्स पूरे कर दो यार, बड़ा ज़रूरी है पता है। सब्सक्राइबर मेरे बड़े कम हैं, आप लोग आते हो देखते हो और चले जाते हो। अगर नहीं अच्छी लग रही वीडियो तो आप बताओगे क्यों नहीं अच्छी लग रही, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा पूरी। मेरा वे ऑफ टॉकिंग नहीं पसंद, गेम प्ले नहीं पसंद, या गेम ही जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो आपको पसंद नहीं आ रही है, तो इन सब चीज़ों पर काम हो सकता है। घबराने वाली बात नहीं है, सारी चीज़ों पर काम करके देखेंगे और कोशिश करेंगे ऐसी दिक्कत ना हो, समझिए। ओह, बड़ी देर बाद एक सीवर मिला है, क्या गवर्नमेंट का काम है क्या ये? ठीक है, यहाँ पे 3 स्लाइड्स हैं एंड एक बार ट्राई करते हैं। तो अभी तक मैं ब्लू एंड येलो को मैं स्लाइड कर चुका हूँ, तो आई थिंक एक बार मुझे रेड ट्राई करना चाहिए। क्या कुछ चेंज हुआ इससे? नहीं भाई, ग्राफिक्स कितने प्यारे हैं यार, समझ रहे हो। और ये गेम ना पूरी आज़ादी देती है, आप कहीं भी जाओ यार, कहीं भी जाओ, मतलब यहाँ जाना है वहाँ जाना है जहाँ जाना है जहाँ जाओ, कोई मतलब नहीं डेवलपर को कि तुम्हें कहाँ ले जाना चाहता है, कहाँ का उसने प्लान कर रखा है, कि स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी, या फिर कोई नई चीज़ें कैसे खुलेंगी, कोई नया एरिया कैसे डेवलप होगा। नहीं, उसने बना के छोड़ दिया है और तुम्हें जानवरों की तरह, और तुम निकलो घूमो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से घूमो। देखो सामने भी ऐसे चढ़ने का बना रखा है, यहाँ भी चढ़ने का बना रखा है, तो जब ऊपर ही चढ़ना है तो चाहे वहाँ से चढ़ो चाहे यहाँ से चढ़ो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अपन यहीं से जाएंगे एंड चढ़ते जाएंगे, फिर तुम बड़े चलो, धीरे तुम बड़े चलो कर देंगे, और फिर हम सामने वाले दरवाजे से जाएंगे, घुस जाएंगे ऐसे करके। और देखो यहाँ पर कूदने का, ओके, दो दो जगह बना हुआ है, वेट। अच्छा एक यहाँ भी है एंड वहाँ पर क्या है, पीछे भी कुछ है एंड ओके, यहाँ पर थोड़ा अलग है, वहाँ पर थोड़ा अलग है, वेट लेट मी सी बड़ी। अरे चढ़ जा यार, चढ़ जा, नौटंकी बदकर चढ़ जा। ओ बूम, क्या ऐसा कुछ करना था क्या कि मुझे इसके अंदर ही कूदना था, ऐसा था? पता नहीं, एक बार नीचे जाके देखता हूँ कि बगल वाले पड़ोस वाले में क्या चल रहा है। ये भी तो वही स्लाइडर है जैसे जंप करने को बोला हुआ था। अच्छा वो इसलिए कि अगर मैं यहाँ से कूद जाता हूँ, स्लाइडर कहाँ गया, वो ना तो यहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर एक स्लाइडर है, स्लाइडर कह रहा हूँ मैं यार, वो जंपिंग बोर्ड, आई डोंट नो क्या बोलते उसको। हाँ ये दिख रहा है, अच्छा मुझे दिखा नहीं चाहिए, होगा ऊपर होगा, छोड़ो इग्नोर करो। ओके, सामने एक स्पेस और है यहाँ पे, और एक सामने है जो थोड़ा ऊपर जाकर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब डेवलपर को कोई दिक्कत नहीं है, बेटा तुम यहाँ से आए थे वहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं कोई मतलब नहीं, उन्होंने बनाई गेम और आपको छोड़ दिया सांड की तरह, लो घूमो आराम से, एक्सपीरियंस करो। ठीक है, निकल गए हम यहाँ से भी। और कमाल की बात यह कि जब से मैं ये गेम खेल रहा हूँ तब से मैं एक बार भी वापस से पीछे की तरफ नहीं गया, मैं आगे ही बढ़ता गया, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस हैं,
पीछे जाके क्या ही करूँ, ऐसा लगता है कि हाँ शायद आगे ही कुछ मिल जाए, और हुआ भी यही है। ओके ओके गॉट इट। तो मैं वो सारा स्पेस घूम करके वापस यहाँ आ गया हूँ। तो यहाँ पर तीन स्लाइडर हैं एंड एक ब्लू स्लाइडर है भाई, स्लाइडर ही बोलते हैं ना इसको, पता नहीं, ऐसे जज नहीं करने का, ठीक है, पता नहीं। देखो देखो देखो, अब यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर फंस चुके हैं, अब यहाँ से निकलने का हमारा मिशन हो गया है। मिशन नहान से बचना। ओके दैट इज न्यू, मैं यहाँ से कूद करके यहाँ पर आया तब ये सब हो रहा है, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से कूदूंगा ही नहीं ना, मैं जाऊँगा पीछे की तरफ, यहाँ पर मैं वहाँ जा ही क्यों रहा था, अगर मुझे वही एरिया देखना है बार बार तो मैं ऐसा करूँगा ही ना। लाडो पुछे है मन्ने ते मेरा रंग काला, मेरा रंग काला, ध्यान देना इस गाने पे। यहाँ पर भी ओके, इट्स अ कमोड एंड शावर उसी के ऊपर दे रखा है, पता नहीं कौन हंसते हंसते नहाता होगा। खैर हम कौन होते जज करने वाले भाई, तरह तरह की दुनिया, तरह तरह के लोग, तरह तरह के लोग, तरह तरह की दुनिया। देखिए मेरे काम का तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं मिला है कि जहाँ तक मैं ये सोच पाऊँ कि हाँ भाई मैंने बड़ा अच्छा काम किया एंड इस गेम को खेल करके काफ़ी मज़ा आ रहा है। मज़ा तो नहीं आ रहा मगर हाँ कहीं ना कहीं दिमाग में, अब देखो ये एरिया चेंज हो गया फिर से, दिमाग में चल रहा है कॉन्टिन्यूसली मेरे कि हाँ यार कुछ तो चेंज हो रहा है, मतलब कुछ तो प्रोग्रेस हो रहा है। अब वो गलत मैं जा रहा हूँ कि सही जा रहा हूँ उसके बारे में मैं नहीं जानता, बट जिसने भी डिज़ाइन किया है पूरा, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो काइंड ऑफ। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। काफी अच्छा खासा सोचने पे मजबूर किया है इस गेम ने कि जब आपको कुछ नहीं बताया जाता है तब आप क्या करते हैं, ऐसा विदाउट इंस्ट्रक्शन, क्योंकि ह्यूमन का हमेशा इससे ये नेचर है कि बिना इंस्ट्रक्शन के वो काम नहीं कर पाते हैं। आई मीन तभी जो बिना इंस्ट्रक्शन काम करते हैं ना वो एक्चुअली में फिर कुछ ना कुछ नया ही करते हैं, कुछ अलग करके दिखाते हैं लाइफ में, बाकी लोग तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस का इंतज़ार करते हैं। और जनरली ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, आई मीन मैं ये सीरियसली बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को मॉक करना चाह रहा हूँ या फिर ऐसा कुछ है, क्योंकि हम मोस्टली हम लोग उन्हीं में से ही हैं, हम सब फ्री का ज्ञान मिले तो अपने कान बंद कर लो, अगर अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं, मगर ये वीडियो को पूरी देखना, ठीक है। ओके गॉट समथिंग न्यू। अरे यार ओ ये देखी देखी लग रही ना, हाँ लग रही है, देखी देखी जगह है ये, यहाँ ग्रेविटी वगैरह ठीक से काम कर नहीं रही है, तो काम करता हूँ मैं ऊपर जाकर देखता हूँ सामने वाली सीढ़ियाँ क्या मुझे एक्सेस देंगी, नहीं क्योंकि मैं हूँ पैरेलल। ओके ठीक है, मैं स्टेयर्स के परपेंडिकुलर होऊंगा तभी मैं, ठीक है मुझे यहाँ से निकलना है। ओके ओ भाई ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है, एक नंबर मजा आ गया। वो देखो अब मुझे जाना कहाँ है मुझे ये सोचना होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मुझे जाना एक्चुअली में कहाँ है, तो मैं बस चलते ही जा रहा हूँ और कहीं ना कहीं तो ये रास्ते मुझे ले करके जाएंगे। एंड ओके देयर इज अ स्पेस, ओ डर गया था मैं, ये ओके ये आई थिंक ये मैंने मूर्ति देखी थी, इसके नीचे था मैं, नहीं ये शायद वो नहीं है, ये शायद वही है भाई, चकरा दिया पूरा, अब ये मेरे ऊपर आ गया। ओ ओ भाई कितना सही है ये, अरे वाह मुझे सच में इसी में मजा आ रहा है।
सही है ब्रो, मजेदार। अबे गया 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 गया। छपाक बोलो तो झकास। क्या मैं सही आया हूँ कि नहीं आया हूँ? ठीक है, आई थिंक मैं सही आया हूँ। और मिल गई है मुझे रेड पाइप फाइनली। तो मैं आया था येलो से, देन मैंने ग्रीन पाइप के थ्रू मैं गया, उसके बाद मैं रेड पाइप से बाहर आ चुका हूँ और अब मैं आ गया हूँ ग्रीन वाले एरिया में। और ये एरिया जैसे घर 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 जैसे बना हुआ है पूरा, क्योंकि ऐसे वॉलपेपर्स अक्सर घर में होते हैं। और अभी तक जो मैंने एक्चुअली में मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली आपको, ये गेम मैंने किसी के शॉर्ट देखकर ही शुरू करी थी, बट उसमें एक लंबी सी सांप जैसी चुड़ैल थी, वो मुझे नहीं मिली है। ये शायद वो किस कंडीशन में मिलती है, शायद उसको जगाना होता है, तो जो मैंने वहाँ से डिसीजन ले लिया था एक्चुअली मैं भागने का वापस, मैं भी वहीं से कुछ चेंज हो गया हूँ और फिर वो मुझे नहीं मिली। तो मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है कि एक डरने वाला एलिमेंट नहीं मिला, सरप्राइजिंग एलिमेंट मेरा ख़राब हो गया। बट लग रहा है कि हाँ ठीक है, नहीं मिली यार कोई बात नहीं, चुड़ैलों को इतना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। नहीं मिली तो नहीं मिली, यहाँ कुछ था ऐसा लगा मुझे। नहीं यहाँ कुछ नहीं है अभी फिलहाल। ओके अनदर मेज, अनदर मेज, आई नीड टू क्रैक इट अप। ओके ओ मुझे ऐसे निकलना चाहिए, पता नहीं क्यों बहुत ही गंदी आवाज थी। ये लाइट क्यों बंद हो रही है? ओके नहीं बंद हो रही। टेलीफोन बूथ, टेलीफोन बूथ, टेलीफोन बूथ, टेलीफोन बूथ, काफ़ी सारे टेलीफोन बूथ्स हैं। और मैं एक और दूसरी जगह पर पहुंच गया हूँ सामने। ये जाने भी जाने सी जगह क्यों लग रही है मुझे? क्या और कोई रास्ता था मेरे पास? इस सामने चार स्लाइड्स हैं, इसमें ब्लू भी ऐड हो चुकी है, पर्पल आई थिंक, रेड ग्रीन कुछ ऐसे कुछ करके। चार स्लाइड्स क्यों आई? ओके यहाँ भी मैं पहली बार आया हूँ, तो एक स्लाइड यहाँ पर बढ़ गई है सी। अभी मैं रेड ग्रीन ब्लू, ओके आई थिंक ब्लू मैंने यूज़ कर लिया है क्या? ओ भाई साहब क्या गजब सीन है यार। मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सी यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि मैंने रेड अभी यूज़ करी थी। अब येलो का मुझे याद है, ग्रीन का मुझे याद नहीं आ रहा। ग्रीन और ब्लू में ही मुझे डाउट है, इन दोनों में से कोई एक स्लाइड मैंने चूज़ नहीं करी थी उस टाइम पे। आई थिंक ब्लू थी या नहीं थी या फिर शायद ग्रीन थी। चलो ब्लू में ही चल के देख लेते हैं क्या दिक्कत है। अरे सारी तो नीचे ही जा रही हैं यार। बट मुझे ना ऐसा लगता है कि ये चूज़ करने से भी ना गेम में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कि जब ये छोटी छोटी चीज़ें भी यहाँ पर चूज़ कर रहे हो। सामने कुछ है, ये क्या है? अच्छा मेरी परछाई है, भाई डर गया था मैं। ओके आओ बैठो, बैठो जरा। तो मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पर? बैठ के सोचने वाली बात है वैसे। सामने देखो क्या लिखा है। उठ यार एक बार उठ। सामने लिखा है एग्जिट एंड कुछ कुछ चीजें बनी हुई है। एक सेकेंड, चार और तीन, ऊपर चार नीचे तीन, और ग्रीन से उसको कवर किया हुआ है, यानी चार तीन एंड देन एरो है टू द एग्जिट। ग्रीन से कवर्ड है चार और तीन है, चार और तीन है ग्रीन से कवर्ड है। वेट लेट मी सी इफ आई हैव गॉट समथिंग। क्या मुझे कुछ समझ आया है या भी या नहीं, मैं ये एक बार चेक कर लेता हूँ। काफ़ी सारे यहाँ पर चीज़ें ऐसी बिखरी सी पड़ी हुई हैं। चार तीन एंड ग्रीन, ऊपर चार नीचे तीन एंड देर वॉज सम ग्रीन। देखो यहाँ पर कुछ कुछ ढक्कन है, एक ढक्कन ये कि जो आधा खुला हुआ है, पानी तो इसमें भी है खैर, उसके बाद वो वाला पूरा ही खुला हुआ है। आई थिंक यहाँ से कोई मुझे हिंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आई डोंट नो। तो और कोई चीज़ तो है नहीं है एक्सप्लोर करने के लिए, सो आई थिंक आई नीड टू ट्राई टू गेट आउट ऑफ फ्रॉम हियर। चार और तीन, ऊपर चार है नीचे तीन है, ऊपर चार है नीचे तीन है, और ग्रीन कलर का उसमें एनक्लोज किया हुआ है, ग्रीन बॉर्डर। चार और तीन ग्रीन बॉर्डर, यहाँ से दिखा रहा है एग्जिट, तो आई थिंक यहाँ से दिखा रहा है एग्जिट। तो एग्जिट की तरफ जाने की ट्राई करते हैं हम।
वेट, कुछ गड़बड़ हो सकती है। एक सेकेंड, मैं इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लूँगा कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ या नहीं जाना चाहता। एक बार हम यहाँ भी देख लेते हैं जो हमने पीछे छोड़ दिया है। तेरा गम मेरा गम, तेरी हार मेरी हार, तू तो है बड़ा दहीजार। अरे चलो, कुछ तो रास्ता नया निकला। कम से कम वहाँ जंप करने से तो बेटर था कि मैं एक बार ये एक्सप्लोर करके आ जाऊँ कि मैं देख लूँ भाई पानी कैसे रुका हुआ है बिना ग्रेविटी के। और कहीं मैं उसी स्पेस में वापस तो नहीं जा रहा हूँ जहाँ से मैं इतनी मुश्किल से निकल कर आया था। लेट्स सी, अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो मैं वापस आ जाऊँगा। अरे भाई, मैं चढ़ सकता हूँ ना उसमें वापस? पता नहीं, क्योंकि जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है कोई सो रहा है। भाई क्या है इसके अंदर? हेलो, ओ पता नहीं भाई, ओके आई डोंट नो ना नो, लेट्स गो। कहाँ गया ये रहा? ओ भाई कोई ब्रीद कर रहा है, आई एम डैम श्योर कोई ब्रीद कर रहा है। ओके ओके, ठीक है, मैं यहां पर आया। ओके सो मैं आया हूँ येलो स्लाइडर की तरफ। वाई? और इस येलो वाला मुझे कहाँ लेकर जाएगा? एक सेकेंड, येलो वाला मुझे लेकर जा रहा है उस तरफ। ये मुझे कहाँ डिपोर्ट करेगा? ओके, वो वाले उस वाले फ्लोर पे लेके जा रहा है। ठीक है, तो मैंने पहला, आई थिंक मैंने पहला स्टेप सही किया। येलो वॉज द फर्स्ट वन। कसम से अब कभी मैं वाटर पार्क पे अगर स्लाइडर में जाऊँगा ना तो मुझे डर तो बहुत लगेगा, पक्की बात है। ठीक है, मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। एंड फोर अप थ्री डाउन था वहाँ पे, राइट? फोर अप थ्री डाउन का मतलब एक्चुअली में है क्या? अभी तक मेरा दिमाग क्रैक नहीं कर पाया। मेरा महान दिमाग को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्रैक करने में। एंड अब तो कोई रास्ता नहीं है, यहाँ से मुझे जंप करना ही पड़ेगा अगर जंपिंग पॉइंट है तो। ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं, नॉट माई फॉल्ट डूड। ओके डाउन, तो इट्स लाइक फर्स्ट डाउन आई थिंक, राइट? पहला अप हो चुका है मेरा। एंड देर आर सो मेनी नंबर ऑफ सिमिलर प्लेसेस, अगेन देर इज अ पजल। पजल सॉल्व करने में तो मैं बहुत ही ज़्यादा माहिर हूँ। ओके पता ही नहीं था, मुझे लगा कोई इल्यूजन सा हो रहा है और वहाँ जगह है जाने की, सो आई थॉट आई शुड गो। कभी कभी होता है, देखो अभी हो सकता है कोई ऐसी ही चीज़ दिखे जो सच में जाने वाली हो बट मैं जा ना पाऊँ। ये देखो जैसे ये है, सी, मगर यहाँ भी बंद है। हाँ बंद है, ठीक है, ट्राई करने में क्या हर्ज है। जैसे कि वो सामने दीवार आई थी वो भी तो बंद थी, बाद में खुल गई थी ना जादू से, तो मैजिक थिंग हैपन्ड एट इट इट ओपन्ड। सामने देखो लाइट जल रही है, ये शायद मैं वहीं से आया था, ये इंडिकेट कर रहा है क्या? यहाँ से मुझे दूसरी पाइप तक जाने का, अच्छा ठीक है, यहाँ से ही मैं आया था। दूसरी पाइप तक जाने का मुझे इंडिकेशन चाहिए जहाँ पर मैं अभी येलो से आ चुका हूँ। मुझे ये पज़ल को सॉल्व करना होगा बिना किसी के, बिना किसी इंस्ट्रक्शन के एंड बिना किसी हेल्प के एक्चुअली में। हाँ, यहाँ से भी एक डाउनफॉल है, ये भी सामने जा रहा है नीचे की तरफ और नीचे एंड ऊपर। मुझे इनमें से डिसाइड करना होगा कि कौन से वाला मैं चूज़ कर सकता हूँ। ये भी एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, इट्स क्लोज्ड। लगता है कभी कभी ना इल्यूजन जैसा, मगर ट्राई करते रहना चाहिए। समटाइम्स कि ऐसा होता है कि वो इल्यूजन ऐसा आपको लगे, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि दैट इज़ एन इल्यूजन, बट एक्चुअली मेरा रास्ता वहीं से निकलेगा। ये देखो यहाँ पर से रोशनी आ रही है, आई एम नॉट श्योर कि मैं सही जगह पर जा रहा हूँ कि नहीं, बट एटलीस्ट मैं वहाँ से तो बाहर हूँ। और हाँ, यहाँ पे देखो सीढ़ियाँ आ गई,
तेरा गम मेरा गम एस्केलेटर्स यस ओके अब मुझे ज्यादा चलने की जरूरत नहीं मगर मैं फिर भी चल के जाऊंगा। हम करते थे ऐसा यार। ओ माय गॉड भाई साहब क्या सीन है यार सच में क्या गेम बनाई है लिटरली बहुत ही सही गेम है सच में। वहां देखो नाव पड़ी हुई है वहां पे एक फोन बूथ के बगल में यहां पर एक मूर्ति सी पड़ी हुई है कुर्सियां उड़ रही हैं कुर्सियां तो आजकल इंडिया में भी उड़ रही हैं भाई चुनाव चल रहे हैं सॉरी चुनाव चल रहे हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा एस्केलेटर वैसे तो राजीव चौक में लगा हुआ है नहीं राजीव चौक पे नहीं है यार व्हाट द हेल। अबे ये क्या है ओके आई एम डन विद द येलो वन एंड आई एम गोना गो आई थिंक मैं ग्रीन पाइप की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे कोई रेडियो चला के सुन रहा है डैम ठीक है आई एम एट द प्लेटफॉर्म नहीं ये जगह तो मैं क्लियर करके आ चुका था उसके यहाँ पर कोई डोर है यार प्लीज कोई डोर खुल जाए ओके आई नॉक्ड इट मैंने किसे नॉक किया पहला डोर है जो मैं खोल करके जा रहा हूँ अभी तक सारे बस ओके आई थिंक मैं गलत जा रहा हूँ या सही जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मैं वापस नहीं आ सकता चार ऊपर तीन नीचे था यार मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ पता नहीं मैं पहले सामने वाले की तरफ देखकर आ जाता हूँ क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है कि इतना अजीब तो नहीं होना चाहिए था ओके लेट मी चूज द अनदर एग्जिट ओह देयर इज नो अनदर एग्जिट ओके इट्स जस्ट लगता है गेम ने हमको चूतिया बना दिया। भाई दरवाजे क्यों मारते हुए जा रहा धड़ धड़ ठीक है चलो चलो भाई शुरू करो सारी चीज़ अच्छे से देख ली ठीक है अब चलो आगे बढ़ते हैं। ओ माय गॉड वाओ दैट्स गुड ठीक है ओ भाई साहब अब मैं आया हूँ ग्रीन से बाहर नाउ रेड वन की बारी और आई एम डैम श्योर कि ये जो घर के अंदर से सीधा लाल दिख रहा है ना ये ऐसा होगा नहीं पहले तो मेरे को बहुत इल्यूजन्स में फंसाएगा उसके बाद ही मुझे कुछ देखने को मिलेगा और सामने देख रहे हो बहुत सारे घर इसी तरह के बने हुए हैं आफ्टर द टनल ओके आई शुड नॉट बी डूइंग दिस ओके लेट्स गो बैक तेरा गम मेरा गम तेरी हार मेरी हार चलो पहले ना इस घर में घुसते हैं एंड देन विल डिसाइड राइट अगर घुस सके तो नहीं यार ऐसे मत करो पीछे की तरफ से जाके देखूं पता नहीं क्यों स्पीकर बजा रखे मेरा फालतू में एंड इस घर में भी पूरे रोशनी रोशनी कर रखी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो आई थिंक मुझे वो घर ढूंढना पड़ेगा जिसमें से ये ट्यून निकल रही हो आने वाली टुंग 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 ऐसी करके कोई ट्यून आ रही है जिसको मुझे आई थिंक याद रखना होगा एंड देन आई हैव टू डिसाइड राइट। और यहां पर तो सारे के सारे घर यही ट्यून बजा रहे हैं यहां पर देखो किसी ने यहां पर एक जगह बना रखी है पूल बना रखा है यहां पे एंड सारे घर को ट्राई करने से बेटर है कि मैं खुद ही ये चीज़ का पता लगा लूँ कि वो घर कौन सा है जिसमें कुछ तो अलग होगा
ओ माय गॉड व्हाट द फक। अभी ये हो क्या रहा है? भैंस की आंख। क्या मैंने सही किया है गलत किया कुछ नहीं पता चल रहा। ओके ठीक है, मैं किसी घर तो पहुंचा एटलीस्ट। नहीं, आई थिंक मैं यहीं से अंदर आया हूँ एंड आई थिंक आई नीड टू एक्सप्लोर। ओके आई कैन नॉट गो दिस वे। इस हिसाब से मैंने काफ़ी अच्छा। ओके कोई मुझे यहाँ पर इशारा दे रहा है वहाँ जाने के लिए। थैंक यू। हाँ आप जैसे लोग हो तो काफ़ी हेल्प हो जाती है यू नो, बेशक आत्मा ही क्यों ना हो, डरावनी सी बट स्टिल आई एम हैप्पी कि आपने मेरी मदद की। इसके मुँह से पाइप निकल रहा है, पता था। देखा मैंने कहा था ना कि ये छोटा मोटा घर नहीं होगा, कोई बहुत ही पजल से भरा हुआ ऐसा कोई एनवायरनमेंट होगा पूरा। ओके मुंह वाला पापेरा। तो ठीक है मुझे यहाँ जाना है, उसके बाद मैं जाऊँगा राइट, देन मैं वापस घर में आ गया हूँ। और ये वॉलपेपर देखते ही मैंने कहा था कि वी आर इन हाउस। यार ये गेम के बाद ये ना पता चले कि हम सिमुलेशन में थे और हमारे किसी दिमाग का टेस्ट वेस्ट हो रहा था, ऐसा गया थोड़ा सा ना डिसअपॉइंटिंग होगा। ओके व्हाट इज दैट? ए किधर गया? ए अच्छा यहाँ कुछ नहीं है, देयर इज अ सोफा। ओके आई कैन सेट। चल उठ जा काम है बहुत, उठ जा। अबे ये क्या हुआ? ऐसा लगा कुछ चमका था। एक सेकेंड लेट मी सी। हाँ कुछ शाइन हुई थी। ओके वी आर बैक। ओके वी आर बैक। काफी सही जा रहे हैं। यहां से गिरना नहीं है, बस गिर गए तो थोड़ा सा काम खराब हो जाएगा। एक्चुअली में काम लंबा हो जाएगा हमारे लिए एंड हमें गिरना नहीं है। पहुंच गए। ओके वी आर इन द पूल अगेन। वापस से उसी स्पेस में पहुंच गए हैं। काफ़ी देर से मैं इसको यही चीज़ें कर रहा हूं, मैं अपने दिमाग से ही लड़ रहा हूं और मैं फाइनली पहुंच गया हूं। अच्छा नहीं, आई डोंट थिंक इट्स फाइनल और समथिंग, पता नहीं यार, एक बार देख लेता हूँ आसपास क्या है। वहाँ पूरा काला काला हो रखा है। अच्छा ठीक है वहाँ पर है रास्ता। हाँ भी मैं सोच रहा था बीच से होकर जाऊँ, काफ़ी बैड आइडिया होता। नहीं कम से कम इसमें एक अच्छी बात है कि करीब 5-10 सेकेंड ये गेम पीछे लेकर आ जाती है मरने के बाद। एंड अभी नॉन स्टॉप ये गेम चल रही है मेरे पास से, इसको मैंने अभी भी एक बार भी पॉज नहीं किया है, तो सही लग रहा है। ओके वी हैव नाउ सो मेनी कलर्स। कितने देखो, येल्लो है, ग्रीन है, पर्पल है, ऑरेंज है, एक साइन कलर है जिसे आसमानी बोलते हैं। हट जाओ। मैं येल्लो वाली स्लाइड तक भी पहुंच गया हूँ अब, एंड वी आर एट द येल्लो स्लाइड। एंड एक और स्लाइड हमने पार कर दी है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, इनाम मिलना चाहिए। मगर एक करके हम आ कहाँ गए पता नहीं, जहाँ भी आए होंगे कसम से लेवल सबके निकलेंगे क्योंकि हम लेवल पार करने ही आए हैं। और ये एक बहुत बड़ा स्टीम रूम यहाँ पर बना दिया इन्होंने। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, काफ़ी बड़ा स्टीम रूम है, कोयला वोयला जलाया जा रहा है यहाँ पे। सामने रास्ता है, निकलो यहाँ से। कितने सारे लोग स्टीम ले लेते होंगे एक साथ, पता नहीं यार, जो ऊपर बैठे होंगे उनका टपक टपक के नीचे वाला क्या ऊपर आता होगा, वो भी कहते होंगे नमकीन स्टीम कहाँ से हो गई आजकल, पता नहीं। वी हैव सो मेनी थिंग्स टू एक्सप्लोर इन हेयर। कि आप मतलब आपको ना कभी मैं ये इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता कि यार इसको ऐसे आप कंप्लीट कर सकते हो, इस गेम को ऐसे कर सकते हो कंप्लीट या वैसे। अच्छा ठीक है, ये यहाँ पर चेसबोर्ड रखा था, ये वही रूम है आई थिंक जहाँ मुझे सामने खिड़की से कुछ दिख रहा था या शायद कुछ और। कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, कोई भी ये नहीं समझ सकता कि ये एक्चुअली में चल क्या रहा है यहाँ पे।
एंड बस आप चलते रहोगे, इट योर गट फीलिंग एंड बस आप चलते रहोगे, उसके अलावा कुछ नहीं है। इट्स लाइक ए वॉकिंग सिम्युलेटर विथ सम एलिमेंट्स ऑफ पजल्स, काफ़ी सारी पजल्स हैं, लगभग हर कदम पर देखो एक ग्रीन वाला। क्या हम सही जा रहे हैं? मुझे लगता है लिख लेना चाहिए मैं कौन कौन सी स्लाइड से होकर आ चुका हूँ। कोई बात नहीं, अगर दोबारा वो स्लाइड आएगी तो हमें पता चली जाएगा ना, क्योंकि हम जिस स्पेस तक पहुँच गए थे वहाँ पर। राइट, गड़बड़, एक रास्ता ही जा रहा, एक रास्ता वो जा रहा, कोई बात नहीं। ओके, कुछ घर ऊपर बने हुए हैं, कुछ घर नीचे बने हुए हैं, कुछ घर टेढ़े हैं, कुछ सही हैं। ये घर के नीचे ग्रीन वाली खिड़की चल रही है, मुझे लगता है इसी में जाना होगा, क्योंकि ग्रीन खिड़की एक इसी घर की है, ये जो टेढ़ा हो रखा है इसके ऊपर से पाइप पिलर निकला हुआ है। लेट्स सी अगर मैं यहाँ से उतर सकता हूँ या नहीं। अगर मैं यहाँ से उतर सका और अगर एक्सेस हुआ तो ओके, आई थिंक मुझे उस खिड़की तक जाना होगा या फिर ऐसा कुछ करना होगा। अच्छा, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे भी दो रास्ते आ गए मेरे पास, एक सामने जा रहा है, एक लेफ्ट में जा रहा है। तो लेफ्ट का थोड़ा सा मैं देख कर आ जाता हूँ कैसा रास्ता वो हो सकता है, उसके हिसाब से ही हम डिसाइड करेंगे कि आगे हमें क्या करना है। ये देखो एक और ऊपर जा रहा है, तो हमारे पास एक्चुअली तीन रास्ते आ गए। Let's see if I can open this one. Okay, I can open this one. Right. अगर कोई दिक्कत हुई तो मैं वापस आ जाऊँगा यहाँ से एंड बस ठीक है फिर। ये ऑरेंज वाला एरिया है एंड ओ पिलोज हैं यहाँ पे। ओके, देयर वाज सम ग्लिच। ओ माय गॉड, ओके यहाँ पर है भाई, वापस आने का तो चांस ही नहीं बन पाता यार, ये ऐसी जगह पर लाके फंसा देते हैं। अब यहाँ पे देखो कितने सारे पाइप्स आ गए, वेयर एंड सीवर्स, सारे अंधेरे अंधेरे घने घने पाइप्स हैं। कोई नहीं, इग्नोर करो इग्नोर करो, हमें तो ये कंप्लीट करना है, ठीक है, समझना है इसमें कि इसमें लॉजिक क्या बनाया है। सामने एक रेड कलर का स्टैंड एंड सम स्नोमैन आई थिंक। एक बाल्टी में किसी के मुंह में डंडा दे दिया। अच्छा, ये क्या बोलते हैं इसको, ब्रश दे दिया भाई। क्या चल रहा है यार, मतलब क्या चल क्या रहा है। ओके, ये कोई हिंट हो सकता है, एक सेकेंड वेट। अगर मैं इसको मैच करूं ऐसे, आई थिंक I should match it with the background, I think. कुछ ऐसे ही लग रहा है ना, रुको। हाँ यार ऐसा, कैसे करके देखूँ मैं, मुझे कुछ लग रहा है यहाँ पे कोई ट्रिक है। वही दो लाइट यहाँ जल रही हैं, then I can come closer. And I can shift here and I can come closer थोड़ा सा और। हाँ 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 हाँ, क्लोजर आने पे हो रहा, क्लोज आने पे हो रहा, क्लोज आने पे हो रहा, कुछ मुझे अलाइन करना होगा। नहीं यार कुछ नहीं हो रहा, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि ये, चलो ठीक है we'll see। अब देखो मैं वापस जाना चाहता था, मैं ये सोचकर आया था कि शायद वहाँ ना जाने से काम बन जाए, बट मैं जहाँ तक घुसता चला जा रहा हूँ वहाँ तक बस चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं। देर आर एस्केलेटर्स, फिर से मैं मिड वाले में गया हूँ क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है ना। और ओके, ये रास्ता, ये भी जा रहा अंधेरे की तरफ, मैं नहीं जाऊँगा इसमें।
भाई क्या चल रहा है यार इसमें भाई, सीरियसली क्या चल क्या रहा है यार ये, दिस इज द स्टार। ओके ओ भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ, पहले रुको यार, मैं इसमें नहीं जाना चाहता मगर जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलते हैं, फिर से कोई पजल वाला सीन होगा और क्या। चलो दूसरे रास्ते से निकल तो गए कम से कम। काफी सारे रास्ते, काफी सारी सीढ़ियां, एंड वी आर टेकिंग सम ऑफ दोस स्टेयर्स अगेन। देखा देखा लग रहा है ये जगह देखा देखा लग रहा है, ऐसे चेयर रखी हुई थी एंड ऐसे ही मेरे पास ऑप्शन था सामने की तरफ जाने का, पता नहीं, बट मैं इतना जानता हूँ कि अभी मुझे क्या करना है। मुझे दो स्लाइड से और अपने आप को गिराना है तभी मेरे पास। ओह माय गॉड, ओके याद आया मुझे, मैं यहाँ से होकर जा चुका हूँ जब मैं वहाँ से उतरा था और एक मैंने सीढ़ियाँ चढ़ी थी वहाँ पे, स्टेयर्स लिए थे, नहीं वो स्टील वाली स्टेयर्स में ऊपर आया था एंड आई थिंक मैं यहाँ से होकर गया था तब, पता नहीं ऐसा कुछ तो लग रहा है कि मैं हाँ यहाँ से होकर गया हूँ एंड ये देखो ऐसी सीढ़ियाँ भी शायद मैंने एक्सप्लोर की हैं। ये इतना सा हाँ मैं यहाँ से होकर अब, अरे हाँ यार मैं यहाँ से होकर गया हूँ और फिर मैं सामने वाले दरवाजे से होकर गया। ओहो मैं तो वहीं आ गया, इतनी मेहनत के बाद मैं फिर वहीं आके खड़ा हूँ आज भी वहीं। नॉट एक्सप्लोरिंग एनीथिंग, क्या कोई मुझे छुड़ा लिया भूत मारने नहीं चाहता, मुझे लगता नहीं। या तो मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छा खेल रहा हूँ या तो मैं कुछ ज़्यादा ही बकवास खेल रहा हूँ, दोनों चीज़ें मुझे पता नहीं चल रही हैं कि मैं अच्छा खेल रहा हूँ या बकवास खेल रहा हूँ। वो देखो वहीं आ गया ना, लेट्स गो बैक। Ting tick ting ting tick tick ting tick 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 ting, you didn't have to cut me off. Dung 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 dung. Utar jao yahan se, jaldi wahan se hato, utar ke niche aao aur rasta change karo, kyunki jahan aa gaye hain wo galat rasta hai. Dekha ek galat rasta aapki zindagi badal sakta hai, ya phir sahi tha. Nahi ye wahi takiye wali jagah aa gayi जहाँ सब बंदे सोते हैं, ऐसे घुस घुस के सोते हैं, पता नहीं कैसे सो लेते होंगे। हाँ कुछ चेंज हुआ, देयर इज दिस रेड स्लाइडर, ओके रेड के साथ येलो है, ठीक है मैं ठीक, मैं कहीं ना कहीं ठीक पहुँचाऊँ, नथिंग बैड, वेट अ सेकंड।